अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, कैसे हैं आप। ये शरारा आया था ब्लॉग प्रिंट के लिए, तो मैंने सोचा बहुत अच्छा प्रिंट होगा, इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग बना लें। ये देखें, ये शरारा दिया गया है कि पिनअप करो, तो ये टेबल पे सेट हो रहा है, उसके बाद हम पिनअप करेंगे। और पंखा बंद करा हुआ है क्योंकि ये बहुत उड़ता है कपड़ा। सो ये देख सकते हैं आपके पिनअप होना शुरू हो गया है। और देखें कितने कम गेप से हम लोगों ने पीने लगाई हुई हैं, और ये अंगूठे में दर्द हो जाता है पिने लगाते हुए। सो फाइनली शरारा हमारा पिनअप हो चुका है पूरा, और हमें सिर्फ नीचे नीचे काम करना था, इसलिए हमने ऊपर ज़्यादा पिने नहीं लगाई और ऊपर से ढीला छोड़ दिया ये। और ये धागा इसलिए लगाया गया 4 इंच के गेप से क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि मैं नीचे लेस लगवाऊँगी। हमने बोला कोई मसला नहीं, इसमें गोल्डन पेंट है, और ये सेट इसलिए कर रहे हैं कि ब्लॉक भर ना जाए और ब्लॉक में फिनिशिंग आए। ये देखें, हमने ब्लॉक डिप करा और बिस्मिल्लाह पढ़ के पहला ब्लॉक लगाया। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये दूसरा ब्लॉक लगाया, ये देखें हमने किस तरह छोटे से लकड़ी के टुकड़े से हमने किस तरह राउंड करा है इसको, ये देखें। और ये दूसरा ब्लॉक, ये लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, मैंने गौर नहीं करा। ये देखें, ये आ गया दूसरा ब्लॉक, ये देखें ये राउंड हो गया। बाकी जो आपको गेप नज़र आ रहा है ये हम बाद में फिल करेंगे, क्योंकि गेप से बुरा भी लग रहा है मुझे भी। सो ये देखें, हमने पहले राउंड करा इसको पूरा, फिर अब हम गेप फिल कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप कि हम सिर्फ कोना टच कर रहे हैं और वो गेप भर जाता है। ये आ गया हमारा तीसरा ब्लॉक, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप। ये आ गया, और इधर जो गेप नज़र आ रहा है वो भी हम फिल करेंगे मगर राउंड होने के बाद। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें अब ये गेप फिल हो रहा है, क्योंकि गेप बहुत ही बुरा लग रहा था सच में। ये देखें बहुत प्यारा लग रहा है। ये पट्टी लगा रहे हैं क्योंकि ये पूरा इसके नीचे की जगह फिल हो रही है, बंद हो रही है। ये देखें, सो फाइनली आधा काम हो गया, अभी तक आधा रह गया बस। ये हो गया इसका एंड, ये देखें ये हाथ आ नहीं रहे थे इसलिए टेबल के ऊपर चलना पड़ा अब हमें। देख सकते हैं आप कि ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो मुक्का मारना पड़ता है ना पंच, इसमें बहुत दर्द होता है, मगर हम लोग शुरू से पंच मारते रहे तो हमारे पक्के हो गए। ये देखें हमें अब दर्द नहीं होता, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और बहुत सफाई से नीड आया पूरा, ये देखें। ये इन्होंने बोला आ जाओ बेटा आखिरी का ब्लॉक तुम मारो, सो ये मैंने मारा पंच और मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। ये देखें अब इसके बीच में फूल लग रहा है, ये देखें स्पीड से लगा रहे हैं वैसे वो भी। ये देखें ये छोटा सा फूल भी बहुत प्यारा है, छोटी सी चीज़ भी इतनी प्यारी है कि क्या बताऊं मैं आपको। और इसके लेफ़्ट राइट ये राउंड लग रहा है, ये देखें ये हर फूल के लेफ़्ट राइट लगेगा राउंड। ये देखें ये लग गया, ये देख सकते हैं आप, ये फाइनल आखिरी ब्लॉक है, इसके बाद कोई काम नहीं होगा। ये देखें और ये कितनी स्पीड से कर रहे हैं, ये देखें ये डिप करा और ये मार दिया, ये देखें। सो फाइनली शरारा तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आपके कितना प्यारा लग रहा है। और ये पेंट बिल्कुल पक्का है, आप इसको हैंड वॉश करें या मशीन में वॉश करें, ये कलर कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा और ना लाइट होगा और ऐसे ही चमकता रहेगा, शाइन मारेगा। बाकी इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।